नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट सत्य प्रकाश जी। सत्य प्रकाश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सत्य प्रकाश जी, आप बहुत बहुजन समाज की बात करते हैं, हर एक मंच पे बहुत सारे वीडियोस आपके देखने को मिलते हैं। उस पर आप बोलते हैं कि 2019 के अंदर बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी, तो किस तरीके से बन पाएगी जहाँ की सारे गठबंधन सारी चीजें कहीं एकत्रित होती नजर नहीं आ रही, तो कैसे आप बहुजन समाज की 2019 के अंदर सरकार देखते हैं कि बहन कुमारी मायावती की सरकार ही 2019 में बनेगी? कैसे सरकार बनेगी? सरकार बनाने के लिए देखिए, हमें लड़ाई तो लड़नी होगी जी, ठीक है। और जब आपने ये पूछते हैं कि क्या हम दूसरी जो बड़ी पार्टियां हैं उनके सामने अपनी सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर पाएंगे जी, बिल्कुल करेंगे 2019 में। लोगों के पास विकल्प नहीं है जी। विकल्प के नाम पे अगर तुम चोर चोर मोसेरा भाई शेर का भाई वगैरह कुदनो दूसरा तेरा उसके विकल्प की बात करते हो, तो सिर्फ एक बात आप न्यूज चैनल पर नोटिस करिएगा जी, क्यों आज हर न्यूज चैनल वाला गठबंधन की बात करता है कि गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, तो आप चर्चा में क्यों हो? ठीक बात है। आप चर्चा में क्यों गठबंधन की बुराइयां करते हो? क्यों आप बात करते हो कि भाई गठबंधन एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं करता तो तुम एनडीए, तुमने एनडीए और यूपीए क्यों बनाया जी? आप जब पीएम की दावेदारी करते हो तो क्यों आप एनडीए के नाम से इलेक्शन लड़ते हो या यूपीए के नाम से इलेक्शन लड़ते हो? कम से कम आज बीएसपी जो है वो बीएसपी के नाम से इलेक्शन लड़ रही है। दूसरी बात रही दावेदारी की बात कि हम कैसे वोट बैंक बनाएंगे, हमारे जितने लोगों को ये लोग तोड़ के लेके जाते हैं ना, जितने लोगों को, उसका अगर 10% भी वापस आ जाए तो हम सरकार बना के 2019 में सरकार बना देंगे। लेकिन इनका जो है, इन्हें बहुत सारे कुकुर मुक्ते उगाने हैं। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य को तोड़ना है, कभी कुशवाहा का तोड़ना है, कभी किसी को तोड़ना है, कभी नई पार्टी किसी के नाम पे बनानी है, कभी पुरानी पार्टी को इमर्जिनेट करना है। आज जैसे कि मध्य प्रदेश में हमें काफी थोड़ा सा नुकसान हुआ फूल सिंह बरैया के कारण। अगर फूल सिंह बरैया की जो वोटें हमें आ जाती तो हमें लगभग 10 सीट फालतू मिलती, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है जी। आज कहीं ना कहीं चाहे दबी जवान ही सही जी, ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि बीने बहन जी जैसा एक प्रधानमंत्री चाहिए। सर, वो कैसे बन पाएगी 2019 के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार? बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो ये जिसको ये मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, बीएसपी कभी ये नहीं कहती कि हम गठबंधन के पार्ट है जी। बीएसपी कभी गठबंधन की बात नहीं करती जी। बीएसपी जो बात करती है वो मनुवादी विरोध, जो मनुवादी नीतियां हैं उनके खिलाफ बात करती है, देश विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ बात करती है, राजनीति के अंदर गठबंधन की बात नहीं करती, क्योंकि ये दूसरे दलों की मजबूरी है कि बहन जी उनके लिए जरूरी है, क्योंकि ये खा जाएंगे उन दलों को जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया उसे खत्म कर देंगे। ये बहन जी की मजबूरी नहीं है, बहन जी मजबूत है उत्तर प्रदेश में, आज मजबूत हम साउथ में भी हैं, हमने एक मंत्री बनाए, आज हम मजबूत मध्य प्रदेश में भी हैं, हम छत्तीसगढ़ में भी हैं। सत्य प्रकाश जी, मैंने आपको एक वीडियो देखा था, उसमें कहा था कि एक पल के अंदर बहन कुमारी मायावती की सरकार बन सकती, तो कौन से आंकड़ों से आप देखते हैं? सिर्फ एससी ओबीसी जी और एसटी समाज जी, अगर एक बार वोट डाल के अपनी अस्तित्व और अस्मिता के लिए वोट डाल के बहन जी को चुन ले तो एक मिनट में सरकार बनेगी। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी कर लेंगे हम सरकार बना देंगे जी। लेकिन जो इन्होंने लोगों ने दिग्भ्रमित किया हुआ है ओबीसी समाज को और अनुसूचित जनजाति समाज को, वो गलत किया हुआ है। तो बस हमारे पास एक ही फॉर्मूला है कि हमें जो बहुजन समाज है, जो मूल निवासी समाज है, जो जितने भी हम लोग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको साथ होकर अगर हम इस बार 2019 का इलेक्शन लड़ दें तो ये सरकार बहन जी की नहीं बनेगी ये सरकार मूल निवासियों की बनेगी, सरकार बहुजनों की बनेगी, जिस जो विचारधारा, जो विदेशी विचारधारा, जो यूरेशियन विचारधारा, इन सबको निश्चित नाबूद और नष्ट करनी है, उनकी सरकार बनेगी उन विचारधारा से लड़ने के खिलाफ जी। आप थे सत्यप्रकाश गौतम जी, जिन्होंने कहा कि 2019 के अंदर बहन कुमारी मायावती की सरकार नहीं बनेगी, सरकार बनेगी तो उन मूल निवासियों की सरकार बनेगी जो SC ST OBC के लोग हैं और जो बहुजन समाज के मूल निवासी लोग हैं, 85% जिन्हें बोला जाता है। और अगर ये सभी एक छत के नीचे, एक बैनर के नीचे अपना वोट, अपना जो वोट का अधिकार है वो अगर सही समय पे और सही जगह पे डाल दें तो एक रात के अंदर बहन कुमारी मायावती सरकार बना सकती हैं 2019 के अंदर। सत्य प्रकाश जी, SNU से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।